खबर मिल रही है अलीराजपुर जिले से। गोवंश तस्कर गिरोह का हौसला बुलंद, बखतगढ़ मथवाड़ मार्ग से महाराष्ट्र करते हैं सप्लाई। अलीराजपुर जिले के थाना बखतगढ़ में एक पिकअप वाहन ओवर स्पीड से जाते हुए पाई गई। शंका के आधार पर राजधानी समाचार के संवाददाता ने उनका पीछा किया। पिकअप सीधे सकरजा जो कि नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ एक गांव है वहां जाकर रुकी तो पाया गया कि 5 गोवंश निर्दयता पूर्वक भरे हुए मिले, जिनमें से एक गंभीर हालत में था जिससे कि उठा भी नहीं जा रहा था। तस्करों ने उन्हें खींचकर बाहर निकाला। पिकअप वाहन से नीचे उतारते हुए वीडियो बनाने पर तस्करों ने पत्रकारों का विरोध किया और अभद्र भाषा का भी व्यवहार किया। जब पत्रकारों द्वारा पूछा गया तो नाम पता नहीं बताया गया। उन्होंने कहा कि हमारे रिश्तेदार भी पत्रकार है, ऐसे कई पत्रकार आए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तस्कर बेखौफ होकर गोवंश को नीचे उतारते रहे। पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 का खुला उल्लंघन कर बेजुबान जानवरों की तस्करी कर रहे। 15 गोवंश पहले से ही नर्मदा घाट पर बंधे पाए गए। पिकअप वाहन से लाकर यहाँ नर्मदा नदी किनारे इकट्ठा किया जा रहा था। सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली कि यहाँ इस तरह लाकर इकट्ठा कर नाव से महाराष्ट्र भेजा जाता है। इन तस्करों को प्रशासन का कोई डर नहीं है, निडर होकर गोवंश का सप्लाई करते हैं। थाने के पास होकर इस तरह से तस्कर गिरोह द्वारा गोवंश का परिवहन करना पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या पुलिस प्रशासन के आशीर्वाद से यहाँ सब हो रहा है। अवगत होने के बाद भी इन गोवंश तस्कर गिरोह पर कोई कार्रवाई न होने से 20 से अधिक बेजुबान जानवरों की हत्या हो गई है। कौन है उसका जिम्मेदार? TI साहब के एक प्रयास से इन बेजुबान जानवरों की जान बच सकती थी। सोनवा से मोहन चौहान की खास रिपोर्ट। जिंदा है गोपाल Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.